तो है गाइस, इस बिजनेस को आप बहुत तरह से कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं हम आप लोग को इत्मीनान के साथ बताते हैं। जैसे आप ये पाउच देख रहे हैं, बनी बनाई हुई पाउच, और वो भी ऑटोमेटिक पाउच है। आपको ऐसे मिल जाएगा, जैसे आपको कहीं और देखे होंगे शायद, आपको ये पाउच जो है कट कट के मिलता होगा, वन पीस टू पीस, तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, लरी में मिलेगा। 12 पीस का 10 पीस का लरी होगा, इस तरह से मिलेगा, ऑटोमेटिक मशीन से जो बनता है। तो अगर आप इस लरी में जो भी चीज़ आप पैकिंग करते हैं और पैक करके बिजनेस करते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा मुनाफा देगा आगे। तो आप किस तरह से कर सकते हैं वो चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और आपको पाउच कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी हम बता देते हैं इस वीडियो में। ओनली 2 सेकेंड में आपको स्क्रीन पे नंबर शो होगा, कहीं पे भी हो सकता है वीडियो में, आप वहाँ से क्लिक करके ले सकते हैं। आप वहाँ पे वीडियो रोक के वो नंबर ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे आपको बात करना है। और आप अगर 1 लाख पीस भी अगर पाउच मंगाएंगे वो मिल जाएगा आपको। आपको मेरे हिसाब से आपको कांटेक्ट करना है, आप खुद से जाके लेना है, ऑनलाइन नहीं मंगाना है। मैं पहले ये बात बता दूँ आपको, ऑनलाइन कोई भी चीज़ ऑनलाइन नहीं मंगाना है आपको। नहीं आप देखे उनको, आप कैसे इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। मत कीजिए किसी को ऊपर विश्वास, आप पहले जाइए, देखिए, उससे मिलिए, आपको अच्छा लगता है तो नेक्स्ट टाइम आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो चलिए हम बता रहे हैं, जैसे ये पाउच है लरी में मिलेगा आपको, इसमें आप बहुत तरह की पैकिंग कर सकते हैं। आपके माइंड में जो भी बिजनेस अच्छा लगता है वो आप पैकिंग कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे आपको क्या चीज़ पैकिंग करना चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। फिर भी इस वीडियो में हम बता देते हैं एग्जाम्पल के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे मान के चलिए आप चिप्स वगैरह, खुला चिप्स मिलता है, नमकीन मिलता है, तो आप वो ला के उसमें साइड से, उसका विंडो होता है, आप साइड से उसे जो भी प्रोजेक्ट है आपको उसमें डाल के उसे पैक कर सकते हैं। आप नमकीन चिप्स वगैरह डाल के आप मार्केट में सेल कर सकते, बहुत अच्छा बिकने वाला ये डिमांड है नमकीन का। तो एक चीज़ और बता दें, जैसे आप ये पाउच लाएंगे जो लरी बनाई हुई रहती है, तो इसमें आपको फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है, मान के चलिए अगर आपको 20 पैसे पाउच पड़ा एक पाउच का, तो अगर आप इसमें नमकीन डालते, चिप्स डालते, बहुत कुछ है, आप जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, तो आपको 1 रुपये से 1.5 रुपये में 1 रुपये का ये एक पाउच आपका तैयार हो जाएगा। ये पाउच का रेट कितना है, 5 रुपये, तो आप तो एक पाउच पे कितना मुनाफा हुआ। आपको ज़्यादा नहीं करना है, आपको पहले मार्केट पकड़ना है, मार्केट जब पकड़ लेंगे उसके बाद आपको आगे बढ़ा लेना है। आपको फर्स्ट बार में 1 रुपीज़ आपको सिर्फ निकालना है एक पाउच पे। और यहाँ पे आपको पाउच जैसे प्लेन में मिल जाएगा, इस पर कोई प्रिंट किया हुआ नहीं रहेगा, उस पर आप अपना स्टिकर लगा सकते हैं, एकदम स्क्रीन की तरह आगे से और चारों हर तरफ से आपको ये जैसे जो भी चीज़ इसमें रखेंगे, नमकीन वगैरह, चिप्स, तो वो बाहर से दिखाई देगा इसके अंदर क्या है। तो जो भी आप पैक करें बच्चे का जो भी डिमांड है, तो उसमें आप कुछ बच्चे के खिलौने वगैरह, कुछ फूकना होता है, बैलून होता है, उसको डाल दीजिए ताकि सेल ज़्यादा हो। तो चलिए इसी तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। तो नौशाद माई को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं, आपको सबसे सस्ता मार्केट कहाँ पे मिलेगा बिजनेस के लिए, वो वीडियो लाने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।